सचिव रामपाल माजरा ने कहा कि देश की आन बान शान लाल किले पर जो घटना हुई है वह बेहद निंदनीय है। लाल किले पर हुई घटना को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि एक सुनियोजित साजिश है जिसके चलते एक पंथ का झंडा वहां लहराया गया है। यह बात पूर्व संसदीय सचिव ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार इस देश की आन बान शान व मर्यादा को कायम नहीं रख पाई। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी गुप्तचर विभाग व जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं वो हैं। माजरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय क्या करता रहा व दूसरी एजेंसियां क्या करती रही। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लाल किले पर हुआ है उससे देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं। माजरा ने कहा कि अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा देकर साहसिक कदम उठाया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। माजरा ने कहा कि उन्होंने अपना नैतिक दायित्व समझते हुए अपना पद छोड़ दिया है। सरकार चारों खाने चित हुई है। लाल किले पर होने वाली घटना को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि ये एक सुनियोजित चाल है जिसके चलते एक पंथ का झंडा वहां लहराया गया है। उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि ये चाल सरकार की तरफ से चली गई है। आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के सुनियोजित व्यक्तियों की तरफ से ये किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि क्षेत्र व गरीबों का राशन हड़पने के लिए कॉरपोरेट घरानों के लिए ये बिल बनाए गए हैं। माजरा ने कहा कि गृह मंत्रालय एवं सरकार इसके लिए दोषी हैं। उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसानों के विरोध में है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी किसानों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, आज भी आवाज उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। माजरा ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी पार्टी नहीं है। चंडीगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। देश के मीडिया के माध्यम से और विभिन्न चैनलों के माध्यम से जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस पे देश की आन बान शान लाल किले पे घटना हुई, सर्वप्रथम तो उसकी ही निंदा करता हूँ। और जो हिंसा हुई वो भी गलत हुई। देश की मान मर्यादा की दुहाई देने वाली सरकार जो अपने आप को सबसे ज़्यादा राष्ट्र के वादी कहती है, राष्ट्रवादी कहती है, वो इस देश की इस आन बान शान और मर्यादा को कायम नहीं रख सकी। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो गुप्तचर विभाग, खुफिया एजेंसी और सरकार की अन्य जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसमें दोषी हैं। उसका कारण साफ जाहिर है कि 7 बजे से 8 बजे से बैरिकेड से जाना शुरू हो गए तो 5 घंटे तक ये पता नहीं लगा सके कि लाल किले पे क्या इस प्रकार के लोग आ रहे हैं जिनकी मंशा लाल किले पे इस तरह का उपद्रव करने की मंशा है। देश का गृह मंत्रालय क्या करता रहा कि देश के गृह मंत्रालय की एजेंसियां क्या करती रही, देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या करती रही, जो इतना लंबा चौड़ा ताना बाना इस देश के अंदर है कि लाल किले के ऊपर ही जिस प्रकार से हुआ लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा, इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। और जहां किसानों का इतना बड़ा आंदोलन बड़े लंबे समय से चल रहा था, मैं इसमें ये मान के चलता हूं कि इससे निपटने में भी सरकार की नाकामयाबी है। कुछ इस प्रकार के मुद्दे थे कि 11 दौर की बात हुई, कभी 2 कदम आगे बढ़ते, कभी कहते ये कानून हमने लोगों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए बनाए गए। किसी संगठन ने मांग नहीं करी थी, किसी प्रदेश की सरकार ने मांग नहीं करी इस तरह के कानून बनाने की, जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि किसानों को ये लगा कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और MSP ख़त्म हो जाएगा और सिविल राइट नहीं रहेंगे, किसान को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा और असीमित भंडारण से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी और गरीबों के राशन पे डाका डलेगा। ये सारी बातें और ये तीनों कानून इस देश के किसानों को, मजदूरों को, मजलूमों को, गरीबों को,
झिंझोड़ रहे थे, जिसकी वजह से बड़े लंबे समय से स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट की लागू करने की मांग कर रहे थे। किसान जहां स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहा था, उसे ये तीन काले कानून मिले, जिसकी वजह से इतना बड़ा उपद्रव हुआ और इतनी बड़ी हिंसा इस देश में हुई। जहां तक लाखों लोगों का जमावड़ा हो और ऐसे माहौल में कोशिश की गई है कि नेतृत्व जो लोग कर रहे थे, बहुत सा उनके हाथ में रहा भी और कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो उनके बस में भी नहीं रहे, उनके बस के बिना ही 8 बजे से पहले ही बैरिकेड से निकल गए थे और उन्होंने ही जाकर के उत्पात मचाया जो उनके कंट्रोल में नहीं रहे। मैं नहीं मानता, क्योंकि लोगों में इनके प्रति बहुत गुस्सा है। लोग इस बात को मान के चलते हैं कि कल तुम्हारी ज़मीनें चली जाएंगी और तुम उनके नौकर बन के रह जाओगे, कॉरपोरेट घरानों के। आज उनको ये चिंता है कि MSP नहीं रहेगा, आज उनको चिंता है कि तुम्हारे सिविल राइट्स नहीं रहेंगे। असीमित भंडारण की वजह से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और गरीबों के राशन पर डाका डलेगा। इसलिए कोई ये आंदोलन किसी जात पात का, किसी धर्म मजहब का नहीं है, ये सारे किसानों का है। भाजपा छोड़ के कैसा महसूस कर रहे हैं? एक दिन गया था और उस दिन के बाद आपसे मुलाकात आज कर रहा हूं। इस अरसे में जो अरसा निकल गया, ना कभी ये सोचा मैंने भारतीय जनता पार्टी में तू है, ना उन्होंने कभी सोचा। अब कौन सी राजनीतिक विचारधारा आपको आकर्षित कर रही है? और उनसे को गिला शिकवा भी नहीं है। अब कौन सा दल आपको आकर्षित कर रहा है? ऐसा कोई दल नहीं, अभी तो किसानों की का आंदोलन आकर्षित कर रहा है। अभी तो किसानों की ही मर्ज है, क्योंकि हम उस कैटेगरी से, उस किसान परिवार में पैदा हुए, किसानों के लिए संघर्ष करते रहे, किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, अभी तो उन्हीं का झंडा उठाने का मन है। जो ये भाजपा सरकार चल रही है, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जजपा, उसकी बैसाखियों पे चल रही है, तो इन बैसाखियों का भविष्य क्या है? कुछ आपका तो बड़ा अनुभव है, आपने बड़ी बैसाखियों, इस सरकार में बैठे लोग कोई मायने नहीं रखते। ब्यूरोक्रेट्स हैवी हैं, अफसर साहिब बेलगाम है, और जिनकी बैसाखियों पे ये सरकार चल रही है, उनकी खुद की बैसाखियां खत्म हो गई हैं लोगों में। वो चौधरी देवीलाल समझ करके लोगों ने वोट दिए थे, परंतु चौधरी देवीलाल तो त्याग करते थे, ये क्या कर रहे हैं? ये सत्ता को चूस रहे हैं, ये लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री को नहीं पता जी ये बात? मुख्यमंत्री को खूब पता है, परंतु उन्हें कुर्सी प्यारी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।